उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री सोमेंद्र तोमर ने सपा मुखिया पर जुबानी हमला किया और सभी को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई दी। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने बताया कि सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, वहीं सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम कार्य अभी और जारी हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर उठाए गए सवालों के जवाब में कहा कि जब अखिलेश सरकार थी तो कैसे लोगों को लाल बत्ती बांटी जाती थी, ये सबको पता है। अखिलेश पर जुबानी हमला करने के बाद मंत्री सोमेंद्र तोमर ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर भी सभी को बधाई दी और कहा कि देश के लिए ऐतिहासिक पल था, इससे दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हुआ है। सबसे पहले कल की उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे सभी सम्मानित वैज्ञानिक जिनके प्रयास से एक बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान को मिली है, मैं उसके लिए शुभकामनाएं देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में जिनकी प्राथमिकता ऊर्जा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि 2017 के बाद जो ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव आया, आज सिर्फ 4 जिले नहीं जो सपा के शासनकाल में या 2017 से पहले कुछ VIP जिलों की श्रेणी में आते थे, आज पूरे प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों को निर्बाध बिजली उपलब्ध हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है और उसी के क्रम में हम लोग अधिकारियों के साथ समीक्षा करके कहीं कोई प्राकृतिक आपदा के कारण या तकनीकी कारणों से कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसे शीघ्र ठीक करने के लिए भी निर्देशित कर रहे हैं। DG महाजन न्यूज़ के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।